नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब केजरीवाल को लोअर कोर्ट से बेल मिलने पर खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन बीते एक हफ्ते में चीज़ें ऐसी पलटी कि केजरीवाल ने जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गए। जी हां, सीबीआई की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले सीबीआई के अंडर केजरीवाल 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जा चुके थे, जिसके बाद आज उन्हें 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट में केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल केस में सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई की बात मान ली और केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि लोअर कोर्ट से केजरीवाल को ईडी से जुड़े मामले में रेगुलर बेल मिली थी, जिसके बाद ईडी आनन-फानन में अगले ही दिन हाईकोर्ट पहुँच गई और लोअर कोर्ट पर यह आरोप लगाया कि उनकी दलील नहीं सुनी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा और हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी, जिसके बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उम्मीद की जा रही थी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल सकती है। इतने में ही सीबीआई ने शराब घोटाले में चार्जशीट फाइल कर दी, जिसके बाद सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने के लिए लोअर कोर्ट पहुँच गई। इसी के बाद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अर्जी वापस ले ली। वकील ने कहा, सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब नए तरीके से वो जमानत अर्जी दायर करेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई ने शराब नीति मामले में केजरीवाल को हिरासत में लिया है। इस केस में केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा चुके हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, सीबीआई जेम्स बॉन्ड जैसी काल्पनिक कहानियों के दम पर यह केस चला रही है, जो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से कैसे मुक्त होती है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।